फलनों की सीमाओं के निर्धारण में एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का ये शेष भाग हम लोग आगे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग कर चुके, क्वेश्चन नंबर 20 जो इस प्रकार से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax प्लस bx और डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन ऑफ bx, यहां पर a कॉमा b और a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, दीज आर ना तो a 0 है ना b 0 है पर ना ही a प्लस b 0। इस तरह से तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 इस ऊपर वाली संख्या को ax से डिवाइड कर दें, sin ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax, और निचली वाली संख्या को a bx से डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब है अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपने एक्चुअल में क्या किया है, आपने b अपॉन a से मल्टीप्लाई किया तो bx x कैंसिल हो जाए, ये ऊपर पहुंचेगा सबसे ऊपर पहुंचेगा, सो b अपॉन a से आपने मल्टीप्लाई किया कितना है, इसका मतलब है इसको बैलेंस करने के लिए a अपॉन b से मल्टीप्लाई, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो x x कैंसिल, b ऊपर पहुंचेगा ठीक है, ये वाला a नीचे रहेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा ठीक है, तो जो आपको दिया गया था वही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा ठीक है। सो इतना हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, अलग अलग इसको डिवाइड कर दीजिए, ये सो ये हो जाएगा साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax होल डिवाइडेड बाय ax अपॉन bx प्लस साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय bx इनटू a अपॉन b। इनमें सिंप्लीफाई करने पर ये एक्स एक्स कैंसिल, यहां से ये एक्स एक्स कैंसिल, तो लिमिट ले रहे तो दिस इज इक्वल टू यू न्यूमरेटर की अलग लिमिट ले लीजिए, सो लिमिट ए साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स एक्स टेंड्स टू 0 और प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 b अपॉन a बचेगा होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 a अपॉन b प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ bx डिवाइडेड बाय bx इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 a अपॉन सब जगह अलग अलग लिमिट ले लीजिए, यहां से दिस इज इक्वल टू 1 साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस दिस इज b अपॉन a, इसमें x है कोई चेंज नहीं होगा, दिस इज a अपॉन b और इसकी लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 स्टैंडर्ड लिमिट आपको बताई गई ठीक है। तो यहां पर x टेंड्स टू 0 अगर bx को थीटा मान लिया तो x tends to 0 means थीटा tends to 0 sin थीटा upon थीटा इसकी लिमिट 1, so that is equal to 2, so this is or into a upon b, so that comes out a plus b upon a whole divided by a plus b upon b into a upon b, a plus b cancel, ये that is b upon a into a upon b, ये भी cancel हो गया, this is equal to 1, so limit of this function comes out equal to 1.
अगला क्वेश्चन इस सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 21 एंड यू हैव टू फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cosec x माइनस tan x. इन केस अगर cosec x x इक्वल टू 0 रखें तो cosec x ये इनफाइनाइट आएगा और tan 0 ये आपका ये भी इनफाइनाइट आएगा. So this question is of the type infinite minus infinite. इस टाइप का है ये क्वेश्चन. तो आपको इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चंस में आपको सरल करना है कि ये इस तरह का जो है एक्सप्रेशन या इस तरह की लिमिट ना हो तब बाद में आप अगर डायरेक्ट वैल्यू आप रखेंगे x की वैल्यू तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. सो हाउ टू सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x इज 1 अपॉन sin x एंड माइनस tan x इज cos x अपॉन sin x. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x LCM हो गया and that is 1 minus cos x. अब त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों से इसको आगे हल करिए और that is equal to limit x tends to 0 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. 1 माइनस cos x कितना होता है 2 sin square x y and sin x can be written as 2 sin x y 2 into cos x y 2 cancel 1 of sin x y 2 really cancel. So here comes the limit x tends to 0 sine of x by 2 divided by cos of x by 2. So this is equal to limit x tends to 0 of tan x by 2 or now taking the limit tan 0 is 0. So limit comes out 0. Okay. ऐसे फलन की सीमा कितनी होगी जीरो. सो क्वेश्चन नंबर 22 ये इस प्रकार से है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 2. तो आप इसमें चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी चाहे राइट लिमिट ले लें और चाहे लेफ्ट ले. सो सपोज ये x टेंड्स टू पाई बाई 2 फ्रॉम राइट, x दाई ओर से पाई बाई 2 की ओर आ रहा है. इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h. x बड़ा होगा किससे pi by 2 से, means x is greater than pi by 2, x equal to pi by 2 plus h. This implies x tends to pi by 2. ये चूंकि x tends to pi by 2, this implies h tends to 0. अगर x pi by 2 की ओर जाएगा एच किधर जाएगा शून्य की ओर जाएगा. तो तब ये लिमिट हम लिख सकते हैं, लिमिट चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं एच टेंड्स टू जीरो टेन ऑफ टू इंटू एक्स की जगह पर लिख सकते हैं पाई बाई टू प्लस एच और डिवाइडेड बाय ये एक्स की जगह पर पाई बाई टू प्लस एच और माइनस pi by 2. So pi by 2 cancel.
that concern limit h tends to 0 tan of a 2 से मल्टीप्लाई हुआ सो tan x was c plus theta that is tan theta so ये हो जाएगा एक्चुअल में pi plus 2h divided by h so this is equal to limit h tends to 0 tan x of c plus theta equal to tan theta so it is tan 2h divided by h now kya hai ab this is equal to limit h tends to 0 sin 2h divided by cos 2h into h ऐसे लिख सकते हैं इसको और दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h डिवाइडेड बाय h और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos 2h हमको यहां sin theta upon theta के फॉर्म में लाना है इसलिए हम यहां 2 बढ़ा देंगे ठीक है और इधर क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई ठीक ये नाउ इट इज sin theta upon theta theta tends to 0 सो दिस लिमिट इज इक्वल टू 1 एंड दिस लिमिट cos h इक्वल टू 0 cos 0 इज 1 सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 into 2 ठीक है सो लिमिट कम्स आउट इक्वल टू 2 तो ऐसे फलन की सीमा कितनी होगी 2 के बराबर सो क्वेश्चन नंबर 23 ये इस प्रकार से है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x और लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f of x आपको ज्ञात करना वेयर f of x या फलन किस तरह से डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 3 कब जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3 ऑफ x प्लस 1 जब x इज ग्रेटर देन 0 जब x ग्रेटर देन 0 है तो फलन का ये मान है जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है तब फलन का मान है 2x प्लस तो ऐसे फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए आपको राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स निकालनी होगी राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स इक्वल निकलेंगी ठीक है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ठीक है तो पहली लिमिट को हम लोग इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के सो पहला पार्ट अगर हम लोग ले रहे तो हमको कैलकुलेट करना है हमको निर्धारण करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का इसका निर्धारण करें ये लिमिट कितनी आएगी तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम मान करके इसकी राइट लिमिट को मान करके चले दिस इज 0 और x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट मान लेते हैं x कहां से 0 की ओर आ रहा है दाएं ओर से सो हम लोग पहले राइट लिमिट लेकर के चले राइट लिमिट वो कितनी बताई थी आपको ये होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f(x) ठीक तो यहां पर x 0 की ओर आ रहा है राइट से तो x इक्वल टू है 0 प्लस h 0 से बड़ा है x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0 जब x की 0 की ओर आएगा तो h भी तो ये लिमिट बराबर आ जाएगी लिमिट h tends to 0 ठीक है और f of x ठीक है ये x की जगह पर हो गया 0 plus h तो ये जो संख्या है वो 0 से बड़ी है ये राइट में 0 से बड़ी है अगर ये 0 से बड़ी है तो यहां पर क्या आएगा फंक्शन की वैल्यू 3 और x plus 1 means this is equal to limit
h tends to zero, three of ये जीरो से मतलब नहीं, तो x का काम कौन करेगा, h तो कितना हो जाएगा h plus one. Now take the limit h is equal to zero, so that is equal to three into zero plus one, and h is equal to three. So right limit comes out three. Now consider left limit. Okay. Now left limit. अब हम left limit लेकर के चलेंगे. So this is limit x tends to 0 minus of f. 0 के ऊपर माइनस है मैंने. This time x approaches to 0 from right, oh sorry, from left. इस बार x 0 की ओर आ रहा है. कहां से? Left. So certainly x is less than 0. x छोटा है. So यहां पर x is less than 0. ठीक है? माना x इक्वल टू जीरो माइनस h, क्योंकि जीरो माइनस h जीरो से छोटा है. तो x टेंड्स टू जीरो इंप्लाइज x टेंड्स टू x, जब शून्य की ओर जाएगा तो h भी शून्य की ओर. x बराबर जब जीरो रखोगे तो h भी क्या आ जाएगा, जीरो. x जीरो की ओर आ रहा है, कहां से? लेफ्ट से. x शून्य से क्या है, छोटा है, तो इसलिए शून्य से कोई संख्या घटा दी, h बहुत छोटी धनात्मक संख्या घटाएंगे तो 0 माइनस h ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा जो x है. तो यहां से ये हो जाएगा. तो अब ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसकी जगह पर f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा. तो इस बार f के ब्रैकेट में जो लिखा है वो संख्या नेगेटिव है, इट मींस इट इज लेस देन 0, वो लेस देन 0 है या 0 के बराबर है. तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए 2x plus 3, so that is equal to limit h tends to 0 a twice of minus h or plus 3. x का काम करेगा माइनस h, तो 2 इनटू माइनस h प्लस 3. अब फिर लिमिट ले लीजिए, सो दिस h इज इक्वल टू 0, तो दैट इज इक्वल टू 2 इनटू माइनस 0 प्लस 3. 2 इनटू माइनस 0 इज 0, सो दैट कम्स आउट 3. सो राइट लिमिट इज 3 एंड लेफ्ट लिमिट इज 3. देयरफॉर इफ दिस इक्वेशन इज 1 और दिस इज 2, ठीक है, तो व्हाट फ्रॉम 2, from 1 and 2, क्या आ जाएगा, limit x tends to 0 of fx is equal to 3. अर्थात x tends to 0 पर फलन की सीमा कितनी है, 3 के बराबर है. इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, अर्थात आपको निर्धारण करना है limit x tends to 1 of fx. अभी तक सिर्फ आपने पहला पार्ट किया, so this time limit x tends to 1 of fx निकाल. ठीक, यहां पर जो फलन परिभाषित है वो 0 और 0 को बीच में करते हुए less than 0, greater than 0 के. अब ये जो संख्या आपकी है it is certainly greater than 0, ये क्या है, greater than 0. तो यहां पर यहां x is greater than 0, x क्या है, 0 से बड़ा, x greater than 0 है. तो इसमें आपको राइट और लेफ्ट लिमिट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्लियरली इसमें आ रहा है, क्योंकि 0 पर जब आप कह रहे थे तो आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि 0 इसमें है इसमें नहीं है, कौन सा फलन आप लेते, ठीक है, तो इसमें इसीलिए राइट और लेफ्ट दोनों ले दिया था. इसमें आपको स्पष्ट रूप से मालूम चल रहा है कि x tends to 1 है एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन 0. सो यहां पर ये सिंपली ये आ जाएगा लिमिट x tends to 1
3 into x plus 1. So that is equal to taking limit 3 into 1 plus 1. So 3 to the 6 and the limit comes out 6. So question number 24 is tarah se hai, x tends to 1 of fx yaad kijiye, jahan fx define kiya gaya is tarah se x square minus 1 jab x is less than or equal to 1 aur minus x square minus 1 jab x greater than 1. So isme bhi aap right limit aur left limit dono aap consider kar sakte hain. So limit x tends to 1 plus of fx लेकर के चलोगे तो इसका मतलब हुआ कि x approaches to 1 from right, x is equal to 1 plus h लिख सकते क्योंकि x बड़ा होगा किससे, 1 से. x approaches to 1 implies h approaches to 0. तो ये हो जाएगा limit x tends to 0, ये right limit थी, of f of x, तो f of ये हो जाएगा 1 plus h. तो this is equal to limit h tends to 0. Now clearly 1 plus h is greater than 1. तो क्या आएगा? इसकी जगह पर फलन ये हो जाएगा. Minus 1 plus ये x का काम कर रहा है 1 plus h, so that is equal to minus 1 plus h का whole square and minus 1. Now taking limit h is equal to 0 रखा, so that is equal to but minus 1 minus 1, so limit comes out minus 2. Okay. Right limit हो गई minus 2. Now consider left limit. Limit x tends to 1 minus of fx. This time x approaches to 1 from left. Okay. So x is less than 1 here. Say mana x equal to 1 minus h. X approaches to 1 implies h approaches to 0. Okay. f h 0 ki ho jayega. तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट लिमिट आते हैं ये लिखा जाएगा लिमिट x tends to 1 की जगह पर आ जाएगा h tends to 0. ओके, दिस टाइम f of x की जगह पर आ जाएगा 1 minus h. क्लियरली 1 minus h इज लेस देन 1. ओके, लेस देन 1 है तो क्या लिखा जाएगा इसकी जगह पर x स्क्वायर minus 1. So limit h tends to 0, 1 minus h ka whole square minus 1 x here. Now taking limit h equal to 0, so that is equal to 1 minus 1, okay? And 1 minus 1 equal to 0. It means yahan par right limit kuch aur hai aur left limit kuch aur hai. It means limit x tends to 1 does not exist. Okay. Iska matlab kya hua? This implies limit x tends to 1 of fx. Okay. Ye does not exist. Ka ye astitva nahi hai. Is फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है. क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 13.1 से लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x का मान ज्ञात करना है जबकि जो फलन है वो इस तरह से परिभाषित है fx इक्वल टू है mod x अपॉन x अब जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 fx इक्वल टू 0 है अब जब x इक्वल टू 0. इस फलन की सीमा का निर्धारण करना है. ठीक है, तो जब इस तरह का फलन होगा दैट इज नॉट ए सिंपल कैलकुलेशन कि आप सीधे लिमिट रख दीजिए. इसमें ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आया है, मॉड एक्स आया है, आपको वही राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट लेकर के चलना है. इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? फर्स्टली
ये दक्षिण पक्ष सीमा पर विचार करेंगे, ठीक है, दक्षिण पक्ष सीमा ये लेकर के चलेंगे, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स लेकर के चलेंगे। अब इसके अनुसार हमको अपनी लिमिट को निर्धारित करना होगा, एक्स यहां अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट है, तो इसका मतलब है कि एक्स बड़ा है किससे, जीरो से, ठीक है। माना माना एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, जब एक्स जीरो की ओर जाएगा तो एच किधर जाएगा, एच भी जीरो की ओर जाएगा, तो कितना आपको मिलेगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच आ गया एक्स की वैल्यू, दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच आ गया ना, एच इज ग्रेटर देन जी, एच हमेशा धनात्मक होता है, ग्रेटर देन जी, जब एच ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है जीरो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो एफ ऑफ एच का मान जो होगा वो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा, mod of h is not, x is not equal to 0, ठीक है, x का काम h करने लगा है, h is not equal to 0, तो mod x upon mod h, h के बराबर होगा, बेशक धनात्मक संख्या निकलेगी, h धनात्मक था, so this is limit h tends to 0, h upon h, and that comes out 1, so इस फलन की दक्षिण पक्ष सीमा 1 के बराबर है। अब विचार करते हैं वाम पक्ष सीमा पर, वाम पक्ष सीमा या वाम सीमा, ठीक, और उसके लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, यहां पर एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब है कि एक्स शून्य से छोटा है, एक्स इज लेस देन जीरो, माना माना x इक्वल टू जीरो माइनस h, क्योंकि जीरो से जब हम h घटा देंगे तो ये संख्या जीरो से क्या होगी, छोटी होगी, h पॉजिटिव है बट जीरो माइनस h इज नेगेटिव, अब x अप्रोचेस टू जीरो इंप्लाइज h अप्रोचेस टू जीरो, ठीक, सो ये कितना हो जाएगा, वाम पक्ष सीमा कितनी हो जाएगी, लिमिट h tends to 0, f of 0 minus h, x की जगह पर आ गया 0 minus h, अब इस बार अगेन ये minus h is not equal to 0, minus h भी 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि h 0 नहीं है, तो इसका मतलब है फिर यही आएगा, जब फिर यही आएगा तो ये होगा लिमिट h tends to 0 mod of minus h, x का काम minus h कर रहा है, mod of minus h divided by minus h, so that is equal to limit h tends to 0, अब ऊपर तो absolute value लेनी है, so minus h का mod value h हो गई, ऋण चिन्ह हट जाएगा, so h upon minus h and that comes minus 1,
होगा कि इस फलन की सीमा x टेंड्स टू जीरो पर कोई नहीं होती है, अर्थात इस फलन की सीमा का अस्तित्व